नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। कुछ लोग पंजाब से आकर गवर्नमेंट की जगह पर आलिशान कोठी बनाकर बैठे हैं, जबकि यह सरकार की जगह है और सरकार ने गौचारा बनाने के लिए दी थी। लेखपाल सुज सहाय ने जमीन नापी थी जो सरकारी जमीन है, जिसे गांव की बचत की जमीन कहते हैं, और सरकार की तरफ से यह जमीन गौचारा के लिए थी और उस पर पंजाबियों ने कब्जा कर रखा है। पंजाबी पथरा मई में गौचारे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब गांव वाले मना करते हैं तो उनसे गुंडागर्दी करते हैं और गांव वालों को धमकाकर सभी गांव वाले परेशान हो रहे हैं। जिस दिन पंजाबी आए तब से गुंडागर्दी बढ़ गई है। गांव वाले कुछ कार्रवाई करते हैं तो पैसे की दम पर चुप करा देते हैं। सरकार से गांव वालों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, यदि कोई आपत्ति उठाता है तो उसे अपने सोर्स और सिफारिश की दम पर धमकाकर चुप कर देते हैं, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हैं। पथरामई में पंजाबियों की दबंगई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और गांव वाले डर की वजह से कुछ भी नहीं कहते, जिससे गांव के गरीब लोग डरे और सहमे हुए हैं। सभी आला अधिकारियों से गुजारिश है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। लेखपाल ने खिंचवाई है, हम पर जरी और गांव के ने हमारे गौशाला के ने बुजुर्गों ने पकड़ के गौशाला ताई नापी जरीब। अच्छा, गौचारे के लिए तुमने खुद अपने हाथ से जरीब नापी है। जी, हम पर किसी भाई हम पर कहा और भैया आते हमारे बराबर के संग। अच्छा अच्छा, हाँ ना तुम्हें मिला इस पर हम दिए लायका ससुरी कहाँ है काओ भाई काओ। जो ये ये जो है जो सरदार लोगों ने जगह घेरी है। हाँ हाँ, तो ये मतलब सुनने मारा ये गौचारा। हाँ जी, पथरा मारी में नपी भाई जती गौशाला। कहाँ है गौशाला देव हमारो, हमारी गाय मरी जाती धन से हम बहुत दुखी है। मरी संजय पीछे चलो गो। तो ये तो ये गौचारा किसने करवाया था? गौशाला करवाया था राम प्रकाश राम स्वरूपन गांव के। लेखपाल कौन था? सोज साहब। तो पंजाबी की खेती जो कोठी है वो गौचारे में आती है? सब गौचारा सब गौचारा में।